स्टार्ट करें। अच्छा, तो आगे अपने को अब क्या निकालना है? सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी टू कंडक्टर, मतलब सी टू कैपेसिटर जो भी अपने पास दिया गया है उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस पहली बात निकालना है। दूसरी चीज अपने को इनर्जी भी निकालना है कि कैपेसिटेंस सी टू में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। तो सिंपल अपने को क्या मालूम है, एज फॉर अ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स अगर क्या है सीरीज में है तो अपने को मालूम है सब के लिए चार्जेस क्या होते हैं, क्यू इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर। ठीक है, सारे के सारे कैपेसिटर्स के लिए क्या क्यू की वैल्यू तो सेम होती है। तो सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ इक्वेशन से, दैट क्यू इज सी सी टू निकाल रहे थे सी टू इंटू वी टू आ जाएगा। तो अपने पास क्यू की वैल्यू वी डोंट, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन वन, इसको यही अपने को निकालना है। फिर यहाँ जब ही क्यू की वैल्यू निकल आएगी तो अपने को सबसे पहले फिर ये सारे का सारा काम धाम कर लेना है। तो सिंपल मैं इससे पहले इस इक्वेशन में से अपने को V निकालने से पहले इसको और एक स्टेप सॉल्व कर देता हूँ। तो V2 टू इज कस टू क्या आ जाएगा, Q बाय C2। तो ये मान लेता हूँ इक्वेशन वन और सिंपल कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया अपने को V2 निकालने के लिए फॉर्मूला। अभी इसके लिए V2 निकालने से पहले Q मालूम होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगा, Q इज कस टू सी नेट इंटू वी नेट ये आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू C नेट की वैल्यू कितनी दी गई है, C नेट की वैल्यू 20 इन बाय 3 माइक्रो फैराड, तो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 और फैराड तो ये SI यूनिट है। इसके बाद वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिए गए हैं 90 वोल्ट, तो इंटू 90। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 9 मतलब 30 और ये 30 × 20 तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 और ये 3 × 6 और ये 00 मतलब 600 इंटू 10 to the power -6 और सिंपल ये किस में आ जाएगा, कूलम्स में। तो Q की वैल्यू अपने को मालूम हो गई। चलो Q की वैल्यू मालूम हो चुकी है, अब अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट कर देना है वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में और अपनी वैल्यू आ जाएगी फॉर मतलब पोटेंशियल के जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस फॉर V2 चाहिए था वो आ जाएगा। तो सिंपल कहाँ पास करें, ये वाला हो गया, इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं उसी के बगल में, हो गया। चलो अब मेरे को कौन सी वैल्यू जरूरत है, Q की वैल्यू की जरूरत है। तो ये Q की इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, Q की वैल्यू कितने हैं 6 × 10 to the power -6 और ये कितना आ जाएगा, C2 कितना दिया गया है, C2 दिया गया है 30 × 10 to the power -6 इसका भी माइक्रो फैराड है तो -6 हो जाएगा और ये V2 मतलब ये 10 to the power -6 तो कैंसल, 00 कैंसल, ठीक है, और ये 3 ये 20 आ जाएगा, मतलब 20 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है, 20 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला पार्ट तो सॉल्व, 20 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला यूनिट तो सॉल्व। एक क्या ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, रब कर दूं। चल अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है दूसरी बात जो इसमें निकालना है वो है अपने को कि कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। अब नेक्स्ट काम क्या है अपने को, जो आखिरी इसमें टॉपिक था कि यू की वैल्यू निकालना है फॉर अ कैपेसिटर टू, मतलब कैपेसिटर टू के रिस्पेक्ट में यू की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल क्या यूज़ कर लेता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि है यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी का स्क्वायर, मेरा फेवरेट। ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हो, कंडीशन के हिसाब से सारे फॉर्मूलाज 3 बनाए गए हैं तो आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। अभी ये सबसे बेटर रहेगा क्योंकि अपने पास क्या सी वी है वी वी है, तो इसलिए सबसे बेटर फुल एग्जाम ये माना जाऊंगा, मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से 1/2 ऑफ सी, सी की वैल्यू अब जिस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं उस कैपेसिटर की वैल्यू लेना है। तो मतलब ये कितना है 30, तो ये 30 माइक्रो फैराड दिया गया है, मतलब क्या लिख सकता हूँ इंटू 10 to the power -6 और वी, वी की वैल्यू अपने को क्या दी गई है, वी स्क्वायर अगर
तो अपने को वी स्क्वायर जो लेके चलेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर टू, मतलब जिस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसी का पोटेंशियल अपने को लेके चलना है, तो उसका कितना है 20, तो 20 इंटू 20 आ जाएगा सिंपल, ठीक है कितना आ जाएगा, इसको सिंपल अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। आप 10 इसको सिंपल अगर और सॉल्व कर दो 30, इसका 1, 2, 3 तीन आ गया, तो ये 10^3 लिख सकता हूँ, और ये कितना आ जाएगा 3 × 6 6 × 10^3 × 10^-6 ये आ जाएगा, और सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह 6 × 10^-3 जूल्स, और यही आ जाएगी आपका यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर टू, और सिंपल आप इसको यू टू भी लिख सकते हो, यू टू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यू टू लिख सकते हो, मतलब कैपेसिटर टू के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यू टू भी लिख सकते हो। कंप्लीट है, चलो एक स्क्रीन शॉट मार लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन फाइनली ओवर हो गया कई गलतियों के बावजूद भी। आगे बढ़े, एक चीज और, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसलिए पीडीएफ को ढूंढने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मतलब इसके सारे के सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पासवर्ड बस दे देना जेपी वर्ल्ड खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, सर्च दैट C1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ C2 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वोल्ट बी एज शोन इन दी फिगर, इनिशियली द की के इज अ कीप्ड क्लोज टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर, द की इज नाउ थ्रोन आउट और ओपन एंड द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड इन टू कैपेसिटर टू अ कंप्लीटली फिल्ड द गैप बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द रेशियो, पहला रेशियो क्या है किसके बीच में रेशियो फाइंड करना है, द नेट कैपेसिटर एंड सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इस मतलब वो डालने के बाद क्या आएगा आपकी वैल्यू, उसके लिए भी निकालना है। चलो तो क्या एनर्जी स्टोर होगी, तो सिंपल जो अपना क्वेश्चन बोल रहा है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं, और इसमें जो अपने को डायग्राम दिया गया है उसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या दिया गया है, इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये वी वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, की है यहाँ पास एक कैपेसिटर लगा दिए हैं, और दूसरा इसी के जस्ट बगल में कैपेसिटर लगा दिए हैं। कंप्लीट है, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, वी वोल्ट बैटरी के की, चलो और इसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में अपना गिवन है दैट जो C1 है वो इक्वल्स टू है C2 के, मतलब 2 गुना है, C1 जो भी दिया गया है वो C2 के 2 गुना है, मतलब 2 times है। चलो अब क्वेश्चन आगे का जो भी है उसको तो मेरे को ही समझाना है। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, शुरू में अपने पास एक ऐसी केस दिया था सिंपल सा जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, इसमें शुरू में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अपने पास एक वी पोटेंशियल अप्लाई किए और हमने कैपेसिटर C1 और C2 को चार्ज कर दिया। अब जो कैपेसिटर C1 एंड C2 है वो आर इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कंडीशन में सिंपल अपने को देखने को मिल भी रहा है, तो जैसे ही पैरेलल बोला तो अपने दिमाग पे एक चीज तो आ जाना चाहिए कि दैट दोनों का पोटेंशियल सेम टू सेम होगा, ये पहली बात हो गया। चलो और इसमें अब दूसरा, इसके बाद अब दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बोल रहा है, वो दूसरा केस ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, सबसे पहले इसको चार्ज किया एट मैक्सिमम, जितना चार्ज हो सकता था उतना हमने इस पूरे के पूरे सिस्टम को चार्ज किया। अब चार्ज करते ही हमने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सेकेंड की केस में क्या कर दिया, की को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के कारण अब चार्ज तो फ्लो नहीं हो गया, ठीक है, पोटेंशियल फ्लो नहीं होगा, अब जितना इसका पहले से पोटेंशियल उतना है उसका पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जितना था शुरू में उतना ही पोटेंशियल अब रहेगा, चार्ज जितना दोनों के पास था उतना ही चार्ज रहेंगे। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहा हूँ,
मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन वाला मेरे को बोल रहा है करने के लिए कि भाई इन दोनों के बीच में ना दो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दो, ठीक है, दो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दो, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीटली पुट करना है। अब अपन ने दो केसेस पढ़े थे, ठीक है, एक केस डिस्टेंस जब इंक्रीज करते थे उसके लिए हम सारी की सारी वैल्यूज को निकालते थे कि क्या क्या चेंजेस ऑकर होता है, और दूसरा हमने ये इसी इंपॉर्टेंट वाले केस में स्टडी किया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं बैटरी क्लोज करके या फिर बैटरी ओपन करके, इस तरह से। तो ये दोनों केसेस अपन ने स्टडी किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सिंपल पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो अपने को बोल रहा है कि, पहला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, पहला रेशियो बोल रहा है नेट कैपेसिटेंस, ठीक है, मतलब सी नेट बिफोर इनिशियल सी नेट, इनिशियल INITA, इनिशियल सी नेट और फाइनल सी नेट, फाइनल फाइनल सी नेट के बीच में रेशियो क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा वो अपने को निकालना है, वही तो निकालना है, चलो ठीक है। जब और इसमें सेकंड केस में ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड केस में हमने की को क्लोज ओपन कर दिया है, तो ओपन करने के कारण कोई भी पोटेंशियल अब फ्लो नहीं होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो अपन को इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, मतलब रेशियो बिटवीन सी नेट फाइनल, सिंपल सी बात है। चलो इसको रब कर दूं, हो गया, क्वेश्चन समझ आए सिंपल। अगर आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट याद है कि कैपेसिटर्स में क्या चेंजेस ज्यादा था, और दूसरी बात जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आता था, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, नेट कैपेसिटर निकाल लेता हूँ इनिशियल के लिए, तो सी नेट फॉर इनिशियल, आई लिख के चल रहा हूं तो आप इनिशियल समझ जाना, ठीक है। सी नेट इज इक्वल टू क्या है, पैरेलल में है तो ये क्या आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू लिख सकता हूँ, और सिंपली हमारे पास सी वन की वैल्यू कितनी दी गई है, सी वन इसमें सी टू इज इक्वल टू सी टू है ना, ठीक है ना, सी वन की वैल्यू दिए गए हैं टू ऑफ सी टू, टू ऑफ सी टू, और सी टू की जगह सी टू ही आ जाएगा, और ये सी नेट इनिशियल इस तरह से लिख देता हूँ तो ये थ्री ऑफ सी टू, थ्री ऑफ सी टू, और ये सी नेट इनिशियल, चलो ये आ गया, मतलब अपने को पहले ही कैपेसिटेंस की नेट की वैल्यू तो मिल गई, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई, सिंपल सी बात थी। चलो अब दूसरा, में अपने को जब दूसरा केस बोला है, अब उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगा अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन को जो हम स्टडी करके आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके हिसाब से अगर हम कोई स्विच को क्लोज कर देते हैं फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, मान लेता हूं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट कितना है, के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना जो भी अपने पास जो भी वैल्यू आती थी कैपेसिटेंस के, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मान लेता हूँ शुरू में सी डैश कैपेसिटेंस, शुरू में नहीं ये बाद में सी डैश क्या होता था, बाद में बाद वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाती थी, इनिशियल कैपेसिटेंस के केसी हो जाता था, ये वैल्यू आती थी अपने दोनों केसेस के लिए, मतलब अगर अपन चालू करके भी की को रखते हैं तो यही केस मिलता था, अगर की को ओपन कर देते थे तो भी यही केस मिलता था, मतलब दोनों के लिए एक ही सेम वैलिड इक्वेशन है, ठीक है, याद है, चलो याद आ गया जिनको, बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है एक बार पिछले लेक्चर्स के नोट्स को जो आपने बनाया है उसको एक बार देख लो, ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं, हो गया सी नेट। अब सी नेट फाइनल अपने को निकालना है, तो सी नेट फाइनल एफ लिखे दे रहा हूँ, इसकी जगह भी सी वन प्लस सी टू ही आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो वो अपने को दो ही, कोई केसेस होता ही नहीं है, यही वाला केसेस आएगा सेम टू सेम, तो सी नेट इज इक्वल टू सी टू की, सी वन की वैल्यू कितनी दी गई है टू ऑफ सी टू, तो इसके लिए जगह क्या आ जाएगा, सिंपल आपका टू ऑफ सी टू इंटू के आ जाएगा, क्योंकि के वैल्यू तो अपना इंसर्ट किया गया है इसके लिए भी और इसमें भी के इंसर्ट किया गया है, मतलब डाइलेक्ट्रिक, इसी तरह से ये कितना हो जाएगा सी टू इंटू के, और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा टू, और सी टू सी टू, मतलब इन दोनों में से के को क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, तो सिंपल के को कॉमन निकाल लेते हैं, और ये टू ऑफ सी टू प्लस सी टू, ये कितना आ जाएगा के ऑफ सी थ्री,
RC3 बोलता हूँ, C2 ही। सिंपल आ गया। चलो मतलब अपने पास सी नेट फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 तो अपने पास ये दोनों चीजें मिल ही गई, सिंपल सी बात था। अब ध्यान रहेगा, आगे से ध्यान रखना है भी है अपने को। चलो अब अपने को निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का रेशियो। तो इसको सिंपल क्या कर देते हैं, सी नेट इनिशियल बाय सी नेट फाइनल इज इक्वल्स टू, क्या लिख देता हूँ, सी नेट इनिशियल की वैल्यू कितनी दी है 3 ऑफ C2, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है K इंटू 3 ऑफ C2, 3 ऑफ C2, 3 ऑफ C2 कैंसल। एक केस तो अपने सॉल्व हो गया। तो ये अपने सी नेट मतलब ये सी नेट फाइनल बाय इनिशियल, इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/k बच जाएगा, मतलब रेशियो कितना आ जाएगा 1:k। चलो एक केस तो सॉल्व हो गया, एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़े आगे। चलो जल्दी जल्दी अब करते हैं, थोड़ा इनर्जी लाते हैं अपने अंदर, ठीक है। अब अपने को दूसरे वाले केस में क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना था। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम टू सेम आपको केसेस याद रहना जरूरी है। तो सेकंड केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, चलो फिर भी याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, जिनको याद है बहुत अच्छा। कैपेसिटेंस जो अपने मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में फॉर अगर की क्या होती थी हमारी ओपन होती थी, तो उसके लिए U डैश इज इक्वल टू U बाय K आता था। अपन निकाले भी थे, जिनको याद नहीं है एक बार और फिर से जाके रिटर्न देख लेना। चलो क्लियर है यहाँ तक, जिनको याद आ गए। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है सेकंड की वैल्यू, मतलब यू नेट इनिशियल रेशियो यू नेट फाइनल, ठीक है, ये निकालना है। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। चलो तो दोनों के लिए केसेस बना लेते हैं, मतलब यू नेट इनिशियल के लिए एक केस बना लेते हैं और यू नेट फाइनल के लिए एक केस बना लेते हैं। तो इनिशियल के लिए सबसे पहले तो यू नेट नेट NET है ना, AT सबको दिख रहा होगा। चलो यू नेट इनिशियल इज टू बी सेम टू सेम वही आ जाएगा, अगर सिंपल से लिखोगे तो यू नेट इनिशियल इज टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 C1V1 प्लस 1/2 C2V2। अब जो कि पोटेंशियल एज एक पैरेलल का केस है, तो पोटेंशियल दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V लिख सकता हूँ। तो सिंपल इन दोनों की जगह V लिख दे रहा हूँ, सिंपल चीज है। तो V नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों में से V कॉमन निकाल सकता हूँ, और सिंपल ये अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 और ये C1 प्लस C2, ठीक है। तो V नेट की वैल्यू क्या आ जाएगा, V/2। C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, C1 की वैल्यू दी गई है 2 ऑफ C2 प्लस C2 की वैल्यू C2 ही दी गई है। तो V नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/2, ये कितना आ जाएगा इंटू 2 प्लस 3। चलो अरे यार दिमाग किधर चलता है भाई तेरा, सिंपल सा ये केस आ जाएगा। चलो सिमिलरली इसी की तरह इसका भी एक केस आएगा, जो कि अब सॉल्व करने की उतनी जरूरत नहीं है, मतलब V नेट इनिशियल के लिए ये केस आया, तो V नेट फाइनल के लिए कुछ इसी तरह से, बट जो अपना ये V नेट नहीं है भाई, U नेट है, कहाँ खोया U नेट, ठीक है, पोटेंशियल को U से डोनेट करते हैं। तो U ये क्या आ जाएगा, V/2 और ये 3 ऑफ C2 इसी तरह से, क्योंकि वैल्यूज तो यही दी गई है, बट अपने पास जो भी एनर्जी आएगा उसके बाय के लगा देना है। तो सिंपल हम भी के लगा देते हैं, तो ये भी सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, SIMILARLY, एग्जाम में भी यही लिख के सॉल्व कर देना आगे, ठीक है, ज्यादा वो वाला इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दो इक्वेशन आई है, अब उन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, एज अ कंपेयर तरीके दोनों का काम तमाम कर देते हैं। तो V नेट इनिशियल I बाय V नेट फाइनल F इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, V/2 ऑफ इंटू 3 ऑफ C2 बाय V ऑफ 2 इंटू
क्या लिख सकता हूँ, 3 ऑफ सी टू बाय के। चलो सिंपल सा हो गया, आ गया। इसमें से इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 ऑफ सी टू 3 ऑफ सी टू लिख सकते हैं और के क्या चल देगा ऊपर, के ये 1 बाय के है तो ये 1 बाय के समथिंग दैट गोज टू अप ही जाता है, ठीक है, फॉलो इंग्लिश। तो सिंपल इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 के बाय 1 लिख सकता हूँ, मतलब इसका रेशियो कितना आ जाएगा, के रेशियो 1। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, आगे बढ़े। चलो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, जब तक फिर मैं रब करूंगा तो आप तब तक सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये भी सिंपल आइडिया अच्छा है। ये हो गया क्वेश्चन अपने से, मैं इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ एज ए इम्पॉर्टेंट, और उसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। रेशियो वाला क्वेश्चन ना ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको मैंने देखा है कि 2 मार्क्स में ना और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज़्यादातर रिपीट हुआ है। चलो 25 मतलब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ अ 6 पिकोफेराड इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर। सिंपल सा है। चलो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, तो आप फटाक से क्वेश्चन जब तक करो सॉल्व, जिनसे बन रहे हैं जिनसे नहीं बन रहे भाई उन लोग भी ट्राई करो, इसके बाद हम लोग तो मिल के सॉल्व ही करेंगे क्वेश्चन। चलो हो गया, अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 12 पीको फेराड का एक कैपेसिटर दिया गया है जो कि कनेक्टेड है किससे, 50 वोल्ट बैटरी से। मतलब एक अपने पास इस तरह की एक कंडीशन दी गई है, एक कैपेसिटर दिया गया है, ये एक बैटरी है, ये वी वोल्ट कितना, वी के कितनी दी गई है वैल्यू, 50 वोल्ट दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 12 पीको फेराड दिया गया है, सिंपल। एंड इसमें हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा वो निकालना है। चलो फटाक से इसको सॉल्व कर लेते, इससे इसका सेकंड पार्ट पढ़ के उसको भी सॉल्व करेंगे। तो U की वैल्यू निकालना है, तो सिंपली हमारे पास U इज इक्वल टू क्या होता था, 1/2 ऑफ CV का CV स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 पीको फेराड, मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, पीको का मतलब -12 हो जाएगा। चलो V की वैल्यू अपने पास दी गई है कितना, 50, मतलब 50 इंटू 50 हो जाएगा। और सिंपल से इसका सॉल्व कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 5 25, मतलब ये 2500 आ जाएगा, और ये 6 25 6 1.15 और समथिंग 150 आएगा। सिंपल लिखते चलते हैं तो और आसान हो जाएगा, 150 आ जाएगा 25 × 6, और ये 20 लॉ लगा देता हूँ, और ये 10^-12 यहाँ नहीं लिखा था, ये 10^-12 यहाँ लिख देता हूँ। चलो ये सिंपल, और इसको यहीं तक छोड़ दो, बाकी चाहो तो और आगे सॉल्व कर दो, मतलब 1, 2, 3, 4, तो 4 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 × 10^-8, और ये जूल एनर्जी आ जाएगी। कंप्लीट है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, 25 12 6 50 50, आई डोंट थिंक सो, बट एज ए आंसर लेट मी चेक, नहीं भाई लोग सही है। चलो तो ये अपना आ गया क्या, U की वैल्यू इतनी आ गई, सिंपल। चलो तो U का वैल्यू इसके इसके लिए तो आ गया। अब आगे क्वेश्चन में जो अपने को बोला गया है, व्हाट इज रिटर्न, ये अपने को बता दो भाई।
इफ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिको फेराड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, मतलब इसी कॉम्बिनेशन के आगे या पीछे बोल रहा है कि एक और हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर को जोड़ दिया 6 पिको फेराड का, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अब आएगा अपने को क्या निकालना है, ठीक है। 6 पिको फेराड इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड। पहला तो चार्ज स्टोर निकालना है, चार्ज स्टोर्ड मतलब क्या निकालना है, यू की चार्ज स्टोर बोल रहा है, चार्ज स्टोर मतलब क्यू निकालना है, ठीक है, चार्ज स्टोर बोल रहा है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी ईच कैपेसिटर, मतलब हर एक कैपेसिटर में कितना, मतलब दोनों कैपेसिटर जो दिया गया है उनमें कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो भी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, ये अपने को क्लियर कर लेना है। चलो एक बार मैं और देख लेता हूँ, भाई लोग आज दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो V1 भी निकालना है और V2 भी निकालना है। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन, इसमें से जो गिवन था अपने को वो तो सॉल्व हो गया, 1.5 × 10⁻⁸ जूल्स। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, चलो इसको कहीं लिख देते हैं, शायद आगे जाके यूज हो जाए। 1.5 × 10⁻⁸ जूल्स एनर्जी आया था, याद रहे। हाँ भाई हमने सॉल्व भी तो किया था इतनी मेहनत से। चलो क्यू की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, सबसे पहले क्यू की वैल्यू ही निकालना है। तो अपने को इस सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन सी नेट आएगा वो निकालने सीरीज के लिए, तो सी नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, C1 × C2 / C1 + C2। सिंपल एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, वही वाला शॉर्टकट फॉर्मूला मैं यूज कर ही ले रहा हूँ। तो ये सी वन की वैल्यू कितनी दी है, 12, सी टू की वैल्यू कितनी दी है, 6, और ये जो पीको है इसको बाद में एक साथ देख लेंगे, ठीक है। सी वन की वैल्यू 12 + 6 ये हो जाएगा अपना 12 6 12 12 6 72 12 24 42 46 45 46 62 72 सही है, 6 12 6 12 18। ये इसको 2 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 6 12 और 2 9 18, और इसको 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 18 9 27 9 4 36, ये कितना आ जाएगा 4। मतलब सी नेट की वैल्यू अपने को कितना मिल जाएगा, 4 पीको फेराड। चलो सी नेट तो मिला, यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लिखते रहना बाद में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, आगे सी नेट क्लियर है। स्प्राइट पिए हैं हमने, आज क्लियर ही होगा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दिमाग एक्टिव नहीं है यार, इतने दिन से क्या हो रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, घर पे भी लाइट की बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, इसी कारण वीडियो नहीं बनाया था, 3-4 दिन गैप ले लिया था, इसलिए ना दिमाग एक्टिव नहीं है, सुस्त पड़ गया है। चलो सी नेट की वैल्यू आ गई, अब मतलब अपने को अब क्या आगे क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालना है। क्यू की वैल्यू क्यू इज इक्वल्स टू, अब एक चीज तो अपने को मालूम है कि क्यू फॉर अ सीरीज के लिए तो सेम ही होता है, मतलब चार्ज सभी के लिए सेम होगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू वी होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू सी नेट इंटू वी नेट होगा, ठीक है। सिंपल यही लेके मान के चलेंगे, सी नेट अपने पास कितना दिया गया है, सी नेट ये रहा 4 × 10⁻¹² पीको है तो -12, वो वी की वैल्यू कितनी दी गई है 50, तो ये कितना आ जाएगा 50 × 50 मेरे को लगा एनर्जी निकाल रहा हूँ इसलिए 50 × 50 लिखने पड़ा था। तो ये अपने पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 20 मतलब 20, और ये 200 और ये 10⁻¹², और सिंपली वी कैन राइट दैट क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻¹⁰, और ये कूलम्स। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ का हो गया, मतलब चार्ज की वैल्यू तो अपने पास आ गई जो अपने को चाहिए था। अब यहाँ पास से आगे मतलब चार्ज जो अपने को चार्ज निकालना है वो हर एक के लिए निकालना है, मतलब इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है, यही क्वेश्चन में बोला है, यही बोला है ना भाई लोग, फाइंड द चार्ज एंड स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज निकालना है।
तो ये तो टोटल आ जाएगा अपने पास 2 × 10⁻¹⁰ कूलम्स। अब एक हर एक के लिए निकालो, हर एक के लिए निकालूंगा सिंपली एक चीज अपना, ये चीज यहाँ क्लियर होना चाहिए कि जो चार्ज स्टोर्ड होगा ठीक है, क्यू तो सारे के लिए सेम ही होगा भाई, क्यू तो सभी के लिए सेम होगा, तो सबके लिए निकालने की जरूरत है कि नहीं ये एक बार कंफर्म कर लो। चलो सोचो क्योंकि निकालने की जरूरत है कि नहीं। चलो काया कोई कंक्लूजन भाई, जिन्होंने बोला अब यहाँ दो ऑप्शन आ सकते हैं, अब दो ही ऑप्शन ही हैं, दो ऑप्शन आ जा सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा जिन्होंने जिन्होंने बोला है भाई हमें क्यू के लिए सेपरेट वैल्यू निकालना है ठीक है, दोनों ने बोला है कि नहीं क्यू की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने क्यू की वैल्यू आ चुकी है ठीक है, जिन्होंने दूसरा ऑप्शन बोला है ना वो करेक्ट है। पहले ऑप्शन वाले भाई लोग गलत हो गए यार, पिछले लेक्चर्स को आपने रिवाइज नहीं किया था ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था वहां जो चार्ज स्टोर होंगे वो ईच एक हर एक कैपेसिटर्स में सेम होंगे, फॉर किस केस के लिए, फॉर अ कैपेसिटर इन सीरीज, मतलब अगर कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उनके लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तो यहाँ पर सबके लिए चार्ज की वैल्यू अलग अलग क्यों निकालने की जरूरत है जबकि लिए सबके लिए सेम वैल्यू आएगी ठीक है। तो हर एक कैपेसिटर में मतलब इसमें भी 2 × 10⁻¹⁰ कूलम और इसमें भी उतना ही यूनिट चार्ज स्टोर्ड होगा। तो अपने का पहला केस तो सॉल्व हो गया, अब ये वाले में से अपने को याद रखना है चार्ज की वैल्यू, क्योंकि सेकंड वाले इक्वेशन में तो अपने को जरूरत पड़ेगा ही, मतलब V1 और V2 निकालने। V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सिंपल पहले अपन देख लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू C1V1 लिख सकते हैं, सिंपल सी वैल्यू भाई बात है लिख सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q/C1। चलो तो Q/C और इसी तरह से V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q/C2। चलो लिख सकते हो दोनों की वैल्यू, इसको पुट करो जल्दी जल्दी फटाक से, चलो पुट करते हैं। तो अपने पास इस वैल्यू में अगर इसी में थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देता हूँ, क्यू की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 × 10⁻¹⁰ अभी सॉल्व किए थे जो निकली थी क्यू की वैल्यू ठीक है, -10, और ये अपने पास जो C1 की वैल्यू है, C1 वैल्यू है अपने पास 12 × 10⁻¹⁰ पीको फेराड दिया है ठीक है। और सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻², इसी तरह से लिख सकते हैं, दो को स्प्लिट आई कर दिया हूँ ठीक है, जो कि मैं काट सकूँ इस तरह से काट दिया मैंने, 2 × 6 = 12 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 6, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं इसको 2 से तो 3, और इसको 50 मतलब 3 × 1 = 3, तो ये इसको सिंपल काउंट कर देते हैं एक बार और, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3 और ये आ जाएगा 50। अरे यार कितना सोच रहा है भाई सॉल्व करना, 3 × 1 = 3 बचे कितना, 2 और ये 0, 3 × 6 = 9 × 3 = 12 × 3 = 18 × 18 मतलब 8 पॉइंट, अब बचा कितना, 2, तो 2 और 0 मतलब 8, इसी तरह से ये चलता रहेगा मतलब अपना V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.8 वोल्ट। चलो क्या आ जाएगी, 18.8 वोल्ट, कहीं गलत किया, 3 × 18, अबे यार 3 × 18 16.6 वोल्ट। और सिंपली आप एक और केस रहता है मैथ में, दैट जो हमने पॉइंट एरर वाला पढ़े थे, हमने क्लास 11th में भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो सिंपली इसे 16.7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 से 6 बार बार रिपीट होते रहेगा, तो इसे 16.7 भी आप लिख सकते हो, अगर 16.6 भी लिखोगे तो नहीं गलत है ठीक है, 16.7 भी यू कैन राइट इट। अच्छा ये हो गया, अब सिंपली इसी तरह से आप V2 भी निकाल लोगे, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q की जगह, फिर से 2 × 10⁻¹⁰ और C2 की जगह 6 दिया गया है, तो 6 × 10⁻¹⁰ तो सिंपल इसी तरह से इसको 100 लिख सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूंगा, ये 2 तिहाई 6 और ये जस्ट 16
16 16.7 का डबल हो जाएगा, आई डोंट नो। चलो तो 100 डिवाइडेड बाय 3 तो दैट्स कितना आ जाएगा, 3 6 9, 100 डिवाइडेड बाय 3 कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 6 3 3 9, आई डोंट थिंक सो बट इट कैन बी। 3 3 9 और ये 3 3 9 और ये 3 3 9, चलो आ गया 33.3 वोल्ट। क्लियर है भाई लोग? अरे भाई भाई, तीन क्वेश्चन आखिरकार सॉल्व ही हो गया, आना जाने कौन सा दिमाग में क्या है भाई, बहुत धीमा दिमाग काम कर रहा है मेरा, फटाफट काम नहीं करते आज यार, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे यार, 5 सॉल्व करना था 5 करवाता बट 4 ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो इसका निकाल लेंगे कभी बीच में, और फिलहाल उसमें सॉल्व करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं कोई सा। 4 कैपेसिटर ऑफ अ वैल्यू 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर, मतलब 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है एज शोन इन द फिगर। अभी शोन इन द फिगर नहीं हुआ है तो मैं शो कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, शो कर देते हैं। इस तरह से आपकी क्या दिया गया है, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है, 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अलग दिया गया है क्योंकि इस तरीके से ये वी वोल्टेज अप्लाई किया गया है और सिंपली यहीं पास से एक और वायर लगाया गया है, ठीक है। ये 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड और सिंपल इसको 2 माइक्रोफेराड दिया गया है। वोल्टेज वी वोल्टेज भी दिया गया है भाई लोग, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और बस। अब इसमें 2 केसेस पूछा गया है, पहला केस क्या है अपने पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। चलो जल्दी जल्दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों के तीन यहाँ का पार्ट मिसिंग हो गया था तो बहुत दिनों बाद इसको बनाया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना आगे पीछे का, ठीक। तो अपने को सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट ये सारे के सारे किस में है, सीरीज में, तो कैपेसिटर के केस में तो जस्ट उल्टा होता है, तो कैपेसिटर के केस में जस्ट पैरेलल की टाइप हम कंसीडर करते थे सारी चीज़ों को। तो इसे सी नेट इज इक्वल्स टू क्या कंज्यूम कर लूँगा, C1 + C1/C2 + C3, तो ये सी नेट कितना आ जाएगा मेरा, 1/6 1/6 + 1/6, और सिंपली आप बोल सकते हो सी नेट इज इक्वल्स टू कॉमन आ जाएगा अपना हर जगह 6, ठीक, और बाकी सारी चीजें नीचे ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा अपने पास 2 फराड, ठीक है। माइक्रो में शायद तक दिया है, माइक्रो में दिया है तो माइक्रो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सी नेट मिल गया। अब इसी में ही पहला पार्ट तो आप तो देख चुके होंगे, जस्ट इसका सेकेंड पार्ट मिसिंग था। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था कि दैट अपने को इससे रिलेटेड अपने को क्या फाइंड करना है, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ये भी निकालना था। तो सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर अपने को सॉल्व करना है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या, सी नेट की वैल्यू अपने को मिल गई है, कितना है, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो पर ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पास से ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में प्रेजेंट है, पैरेलल में प्रेजेंट है, तो एक चीज तो मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ये दोनों अगर पैरेलल में हैं तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो आएगा वो एकदम सेम टू सेम होगा, मतलब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम टू सेम वही उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने पैरेलल के केस में यही देखा था। तो सेम टू सेम क्या यूज कर लो, डायरेक्ट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है Q = C × V, तो जस्ट सी नेट के लिए निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है, सी नेट के लिए निकाल लेते हैं, मतलब ये तीनों के लिए एक साथ निकाल लेते हैं, फिर इसके लिए अलग से निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि अपने को हर एक कैपेसिटर के लिए चार्ज है, एक इस
कैपेसिटर के बीच में कितना चार्ज स्टोर्ड है, हर एक कैपेसिटर के बीच में कितना चार्ज स्टोर्ड है ये निकालना है। सिंपल, तो Q इज इक्वल्स टू सी नेट है अपना 2 माइक्रो फेराड इनटू वोल्टेज, 6 वोल्ट की बैटरी दी है तो 6 वोल्ट, 6 दुनी 12 12 माइक्रो कूलम्स आ जाएगा। चार्ज किसमें रहता है, कूलम्स में रहता है, कंप्लीट। तो अब इसमें टोटल जितने भी आ जाएंगे इन सब में कितना कितना रहेगा, 12 माइक्रो कूलम चार्ज रहेगा, ठीक है, सब में 12 माइक्रो कूलम चार्ज रहेगा ये, ठीक है, ये पहला केस आ गया। अब देखो इसमें चार्ज सोच रहे होगे और इसमें सोच रहे होगे, इसमें सोच रहे होगे, सब में चार्ज इतना 12 माइक्रो कूलम नहीं रहेगा ऐसा सोच रहे होगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, कॉन्सेप्ट पुराना याद रखो, क्या कि अगर इसमें 12 माइक्रो कूलम चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इसके कारण यहाँ इंड्यूस चार्ज इसमें प्रोड्यूस होगा, सेम टू सेम नेगेटिव के कारण यहाँ जस्ट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, पॉजिटिव के कारण जस्ट यहाँ अपोजिट नेगेटिव चार्ज, और इसके नेगेटिव के कारण भी, सॉरी इसके पॉजिटिव इधर साइड से क्या बैटरी नेगेटिव है तो इधर क्या रहे प्रेजेंट रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, जस्ट तो नेगेटिव के जस्ट अपोजिट में क्या प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव, ठीक है, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ क्या इंड्यूस होगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव करके ऑल दी कैपेसिटर, जितने सारे कैपेसिटर है उन सब में चार्ज इतना ही रहेगा 12 माइक्रो कूलम, क्योंकि वो सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक चीज तो अपने को देखने को ये मिल जाता है। चलो तो ये पहला केस सॉल्व, दूसरा इसी में एक और केस मालूम था, फाइंड करना था इसके अराउंड, ठीक है, हर एक के फाइंड करना था, तो Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी यूज कर लो, इसमें सी नेट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सिंपल एक सी है, ठीक है, तो इसके अराउंड कितना है 2 माइक्रो फेराड, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट की बैटरी, तो इसके अराउंड भी कितना आ जाएगा 12 माइक्रो कूलम चार्ज, ठीक, बहुत दिन बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेना, ठीक, वैसे तो हुआ नहीं है, कंप्लीट, तो इसके अराउंड भी कितना चार्ज आ जाएगा, इसके अराउंड भी 12 माइक्रो कूलम चार्ज और इसमें भी 12 माइक्रो कूलम चार्ज, तो दोनों टॉपिक क्लियर और ये क्वेश्चन आई थिंक सो हो गया। चलो तो फिर इसके बाद जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वहाँ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अल्लाह।